हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 12 अक्टूबर का ऑल शिफ्ट का रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन। और थोड़ा सा एक दो दिन का हम लोग क्वेश्चन नहीं डाल पाए हैं 11 तारीख का, क्योंकि थोड़ा सा वायरल फीवर होने के कारण नहीं जा पाए। चलिए कोई नहीं, आज का आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन या अपडेट होता आपको वीडियो मिलता रहे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैथ देखेंगे। तो सबसे पहले रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आया है सीरीज का, जो क्वेश्चन है उसको पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर और भी क्वेश्चन देखते जाएंगे रीजनिंग का। सीरीज है 1, 2, 5, 16, 65, तो नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। ये सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 15 है। आप देख रहे होंगे कि 1 इंटू 1 प्लस 1 करने पर 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 करने पर 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5। अब देखिए 5 इंटू 3 करिएगा जब, तो क्या हो जाएगा 15, और प्लस 1 कीजिएगा तो 16, और 16 इंटू क्या कीजिएगा 4 कीजिएगा, और प्लस 1 16 चौके 64 और प्लस 1 65, तो 65 इंटू क्या कीजिएगा 5 और प्लस 1। थोड़ा सा क्वेश्चन पहले से अच्छा आने चालू हो गया है, मगर कोई बात नहीं, आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। 16 पाँच कितना हो जाएगा 50, 25 के 5 हाथ में 2, 5 छके 30 और 2 बत्तीस, 325 और प्लस 1 हो गया, यहाँ पर ये हो गया 326 आपका आंसर हो गया, क्या हो गया 326 आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। एक सीरीज आया है 8:28 है, तो यहाँ पर बोला गया है कि 27:2 क्या होगा, क्या होगा, देखिए ऑप्शन देख लीजिए, 82, दूसरा है 84, तीसरा 85 और चौथा है 92। तो इसमें से देखिए क्या होगा, 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, और 24 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 28। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस 8 में 8 इंटू 3 किए तो 24 हो गया, और प्लस 4 कर दिए तो ये कितना हो गया 28। अब 27 इंटू 3 कीजिएगा तो कितना होगा 27 इंटू 3 और प्लस 4 कीजिए तो 27 इंटू 3 हो गया 81, और 81 और प्लस 4 क्या हो गया 85, तो आपका क्या हो गया 85 आंसर हो गया, क्या हो गया 85 आंसर। चलिए नेक्स्ट सीरीज देखते हैं। नेक्स्ट सीरीज आया है, देख लीजिए 7 आया है, 10 है, 14 है, 19 है, तो नेक्स्ट क्या होगा ये पूछा गया है। तो देखिए इसका डिफरेंस देखिए, 7 और 10 का डिफरेंस कितना है 3 है, 10 और 14 का डिफरेंस 4 है, 14 और 19 का डिफरेंस 5 है, 19 और इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 6 होना चाहिए। देखिए 3 4 5 यहाँ पर 6 होगा, तो 6 जोड़ेंगे 19 प्लस 6 कितना हो जाएगा 25, तो ये हो गया 25 आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सीरीज देखते हैं, क्वेश्चन आसान सा आया, पहले सीरीज का जो जो क्वेश्चन है वो सारा देख लेते हैं, उसके बाद ही कुछ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको टाइम एंड वर्क ये सारा जितना भी मैथ का भी क्वेश्चन है वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो पहले सीरीज देखेंगे, क्योंकि सीरीज से क्वेश्चन ज़्यादा लड़कों को याद रहता है। चलिए देख लेते हैं एक और सीरीज का क्वेश्चन। 3 है, 8 है, 18 है, 38 है, तो नेक्स्ट कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितना है, इसका और इसका डिफरेंस कितना है 5 का, इसका डिफरेंस कितना है 10 का, इसका डिफरेंस कितना है 20 का। तो देखिए यहाँ पर जब आप कर रहे हो तो आपको पता चला होगा कि 2 का मल्टी 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 इंटू 2 20 हो गया, 20 इंटू 2 यहाँ पर 40 हो जाएगा, तो 38 में 40 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 78, क्या हो गया 78 आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन था देखिए 1000 हो गया, ये हो गया आपको 000 400 फिर 80, तो नेक्स्ट क्या होगा। इसमें तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन है, एक शिफ्ट का क्वेश्चन नहीं है सीरीज का, इसमें तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन है। और जो थोड़ा एक दो क्वेश्चन जो कल हम लोग नहीं प्रोवाइड किए थे उसमें से भी हम लोग लिख लिए, देखिए आपको करने से मतलब है पूरा क्वेश्चन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या होगा आपको इसका आंसर देना है 12, 14, 16 या फिर 18। तो देखिए इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही इस नंबर को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2000 आ जाएगा, 2000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 400 आ जाएगा, 400 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 80 आ जाएगा, और 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा
तो 16 × 5 = 80, 16 आपका आंसर हो जाएगा। सारे को क्या करना है, 5 से आपको डिवाइड करते जाना है और कुछ नहीं करना है। चलिए देखते हैं, अब एक क्वेश्चन आया है, देखिए क्वेश्चन अब थोड़ा सा हम देख रहे हैं, अब वेन डायग्राम का क्वेश्चन देख लेते हैं। कार, बस और साइकिल, इसका वेन डायग्राम आया है, चार फिगर देख लीजिए, इसमें से कौन होगा आप लोग सोचिए पहले, उसके बाद हम आंसर बताते हैं। ठीक है, ये हो गया फोर्थ, फोर्थ हो गया आपको ये। तो देखिए कार कभी भी बस नहीं हो सकता है, बस कभी भी साइकिल नहीं हो सकता है, थर्ड इसका आंसर हो गया। कार कभी भी बस नहीं हो सकता, बस कभी भी साइकिल नहीं, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखिए एक क्वेश्चन आया है कि बट को हम लोग वाई एफ जी लिख रहे हैं, बट को वाई एफ जी लिख रहे हैं, तो आर ई एम को क्या लिखेंगे, आर ई एम। देखिए बी का उल्टा क्या होता है, वाई, यू का उल्टा क्या होता है, एफ, टी का उल्टा क्या होता है, जी, तो आर का उल्टा क्या होता है, आई, ई का उल्टा क्या होता है, वी, एम का उल्टा क्या होता है, एन। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आई वी एन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक आया है डायग्राम से, देखिए ये ट्रायंगल है, इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, यहाँ पर ये इस तरह दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको इसका बेसिक चीज़ ही बता देते हैं, अगर मान लीजिए कि ये ट्रायंगल दिया हुआ है तो 1, 2, 3 लिख दिए यहाँ पर, 1, 2 और 3 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 3, 2, 5 और 1 6, यहाँ पर बेस कितना है, 1 है, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन आया यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर लिया गया है। तो अब देखिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बेस को चेंज कर देना है, बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा। यहाँ पर बेस, ये एक बेस हो गया और ये दूसरा बेस हो गया, तो यहाँ पर 6 × 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 आपका आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 12। और अगर यहीं पर अगर एक और यहाँ पर लाइन रहता तो आप क्या करते, 6 × 3 कर देते, तो क्या होता, 18 हो जाता। एक और रहता तो क्या कर देते, 6 × 4 कर देते, 24 हो जाता। तो करने का तरीका होता है, ये क्वेश्चन आपको आया है सिर्फ दो वाला, इसमें दो वाला आया है, दो बेस वाला आया है, तो इसका 12 आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, एक आपको 4:20 पर थीटा का वैल्यू निकालना था। तो देखिए थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11/2m = 30h ± थीटा। तो 11/2 क्या है, 20 = 30 × h क्या है, 4 ± थीटा। यहाँ से ये हो गया 10, तो ये हो गया 110, ये हो गया 120 ± थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 10 डिग्री हो गया, थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 10 डिग्री हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है मिरर इमेज और वाटर इमेज से, तो मिरर इमेज का देख लेते हैं, उसके बाद वाटर इमेज का देखेंगे। देखिए क्वेश्चन आया है कि 8 बजे मिरर इमेज क्या होगा, इसका क्या होगा, मिरर इमेज। तो 8 बजे मिरर इमेज क्या होगा, मिरर इमेज का फॉर्मूला होता है 12:00, और 12 बजे में से 8 बजे को घटा दीजिए, ये होता है मिरर इमेज का फॉर्मूला, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 4 बज जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर 4 बज गया, आंसर हो गया इसका, कुछ नहीं करना था। फिगर बेस्ट में देख लीजिए, अगर यहाँ पर 8 बज रहा है, ये 8 बज रहा है, अगर मिरर में इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 बज जाएगा इसे। ठीक है, तो ये हो गया आपको मिरर इमेज, और ये अगर इसी का वाटर इमेज पूछ देता तो वाटर इमेज क्या हो जाएगा, वाटर इमेज में 18:30 से आपको 8 बजे घटा देना है, तो ये क्या हो जाएगा, 10:30 हो जाएगा। तो 10:30 मतलब ये ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये हो गया वाटर इमेज, ये हो गया मिरर इमेज। तो ये क्वेश्चन आपको आया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए 22 फेब 2002 को मंडे था, क्या था, मंडे था, तो 15 मार्च 2002 को कौन सा दिन पड़ेगा, ये पूछा गया है। तो देखिए फरवरी में कितना दिन बाकी रह गया, 22, 6 दिन बाकी रह गया फरवरी का, 28 होता 22 × 6 = 28, और मार्च का 15, तो ये जो दोनों 15 दिन इसमें मार्च में 15 दिन बीता है, तो 15 दिन दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 21, इसको 7 से डिवाइड कीजिए, 7 लिखे 21, रिमाइंडर कितना हो गया, 0, तो मंडे था, रिमाइंडर 0 ही है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, आपको कोई आंसर में चेंज नहीं होगा, 15 मार्च 2002 को भी मंडे ही रह जाएगा। ठीक है, 15 मार्च 2002 को क्या रह जाएगा, मंडे ही रह जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डॉग कैट वेन डायग्राम है और बर्ड, इसका पूछा है वेन डायग्राम। तो आप देखिए ये हो गया, दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, तीसरा ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन ये हो गया आपको, ठीक है। तो अब बताइए कि इसमें से कौन होगा, डॉग क्या कुत्ता कभी भी बिल्ली हो सकता है? नहीं, बिल्ली कभी भी चिड़िया नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, डॉग कभी भी कैट नहीं हो सकता है, कैट कभी भी बर्ड नहीं हो सकती है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है आपको, अभी सीरीज का क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है 12, 16, 32, 68, 132, तो नेक्स्ट क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन दिया है ये दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, 4, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 16, ये दोनों का डिफरेंस देखिए 32 और 68 का डिफरेंस कितना है, 36, 68 और 132 का डिफरेंस कितना है, 64। तो देखिए यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, ये क्या है 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट क्या होगा, 10 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर 100 होगा। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस 64 था, तो मतलब 68, 68 में 64 जोड़े तो 132 आ गया, इसमें इसको जोड़ना था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 132 में क्या करेंगे, 132 में 100 को जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 232, 232 आपका आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 232 आंसर। अब देखिए क्वेश्चन जो आ रहा है बहुत आसान सा क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा नहीं क्वेश्चन आ रहा है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन बहुत ही आसान आ रहा है। देखिए एक क्वेश्चन और मिरर इमेज से आया है, एक तो देखिए मिरर इमेज का दो क्वेश्चन आया था, एक तो आया है 2 बजे का वाटर इमेज और एक आया है 8 बजे का मिरर इमेज। तो 2 बजे का पहले वाटर इमेज देख लेते हैं, 2 बजे का वाटर इमेज देख लिए। देखिए 2 बजे का, 2 o'clock का वाटर इमेज पूछा गया है, तो सबसे पहले 18:30 में से 2 बजे को घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 16, मतलब कि 4 बजे। तो सबसे पहले 6, देखिए 2 बजे है तो यहाँ पर 2 बज गया, ये हो गया आपको, ये नहीं हुआ, ये 2 बज गया आपको, 2 बज गया, इसका वाटर इमेज पूछा गया है, तो वाटर इमेज 16 को क्या बोलते हैं, 4 बजना होता है 16 का मतलब, तो ये यहाँ वाटर इमेज यहाँ पलट जाएगा, तो ये हो गया 4 बज गया आपका, क्या हो गया, 4 बज गया। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। देखिए यहाँ पर गलती कर दिए हम लोग, 16:30 होगा तो मतलब 4:30 होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 4:30 उल्टा होगा। देखिए ये जो है ये मिनट का, ये है आवर का और ये है मिनट का, ये आवर का है और ये मिनट का है, तो यहाँ पर मिनट वाला आ जाएगा, यहाँ पर आवर वाला आ जाएगा, तो 4:30 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग कुछ देख लेते हैं, मैथ का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मैथ का क्वेश्चन आसानी आया, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन आया है, रूट अंडर 196 00, रूट अंडर 196 40 प्लस रूट अंडर 196 60, 3 4 5 6, इसका आंसर पूछा गया है। सिंपल सा है इसका, देखिए सबसे पहले तो 196 स्क्वायर किसका होता है, 14 का, और यहाँ 00 में से 10 बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए 196 का 14, यहाँ 40 में से 20 बाहर आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 14, और यहाँ पर 2 2 4 2 6 0 है, तो 30 बाहर आ जाएगा। तो ये सबको जोड़ देंगे तो वहीं आपका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 15540 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट सेशन में कीजिएगा। 169 प्लस रूट अंडर 0.0196 प्लस 0.00196। अब देखिए हम आपको इसका बता भी देते हैं, इसका बाहर आने पर क्या हो जाएगा, 13, इसका क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 4 अंक के बाद 0 है तो 2 अंक के बाद 0 पड़ेगा, तो 196 का 14 है तो 2 अंक के बाद 0 पड़ गया, 0.14 हो गया। इसका देखिए 6 अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद 0 पड़ेगा, तो 0.014।
अब इसको आप लोग जोड़ दीजिए, चलिए हम ही सॉल्व कर देते हैं, 13.154 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे देंगे सॉल्व करने के लिए, कोई टेंशन नहीं है, ये अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया है रूट से 1296 का, आपको क्या बताना है, रूट बताना है, ये आप लोग जरूर कमेंट सेशन में लिख के बताइए। और एक और क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेशन में लिख के बताइएगा, वो है एचसीएफ, क्योंकि हम एचसीएफ कभी भी सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि ये बचपन सबसे पहला चीज़ हम लोग सीखते हैं बचपन में, तो अगर मैथ सीखते हैं तो उसमें एचसीएफ और एलसीएम ही सिखाया जाता है, तो एचसीएफ का ये क्वेश्चन आप लोग करिए। और देखिए 1296 का तो आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसी क्लास में लड़का बॉय और गर्ल का रेशियो दे दिया है 4:7, तो पूछा है कि क्लास का, क्लास स्टूडेंट की संख्या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, मतलब कि देखिए किसी क्लास में बॉय और गर्ल का रेशियो दे दिया है 4:7, चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बोला गया था कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है कि ये लड़का और लड़कियों का हो। तो देखिए आपको पता है कि जो रेशियो होता है उसका सम जो होता है वो टोटल नंबर से डिविजिबल होता है, तो फोर अधि मान लीजिए 4x + 7x टोटल लड़का और लड़की मिलाकर है, बॉय और गर्ल है, तो ये क्या हो जाएगा 11x, तो 11 का मल्टीपल ये चारों ऑप्शन में से सिर्फ ऑप्शन वन जो है वही 11 का मल्टीपल है, 11 का भाग जा सकता है इससे, तो 11 आपको 66 होगा वही इसका आंसर हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो गया 666। तो इस टाइप का क्वेश्चन पहली बार आया, मगर कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो बिना पढ़े हुए भी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 95807, और यहाँ पर देखिए स्टार है, ये डिविजिबल है किससे, डिविजिबल है 9 से, तो ये कब होगा डिविजिबल 9 से, ठीक है, जब सबका सम 9 + 5 + 8 + 0 + 7, ये अगर 9 से डिविजिबल है तो 9 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये स्टार और प्लस 29 डिवाइडेड बाय 9, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर स्टार है 9 × 36, तो 29 है, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर 36 कब आ सकता है, 30, यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा 7 होगा तभी हो सकता है, अगर ये स्टार का वैल्यू 7 हम लोग ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 29 और प्लस 7 क्या हो जाएगा 30 और 36 हो जाएगा, तो 9 × 36 यहाँ पर 4 आपका आंसर हो जाएगा, तो इसका अगर स्टार का वैल्यू पूछा होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, स्टार का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 12 दे दिया है, ठीक है, क्या दिया है 12 दिया है, टेन स्क्वायर थीटा, इस टाइप का क्वेश्चन एक पहले भी आ चुका है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 12 दे दिया है, तो टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा का वैल्यू पूछा गया है, हमको कुछ नहीं करना है। देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो टेन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/10 स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 12, इसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है टेन थीटा और प्लस 1/10 थीटा, तो कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर, यदि टेन थीटा को एक्स मान लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² = 12 दिया हुआ है, तो एक्स प्लस 1/x नहीं निकाल सकते हैं आप, आराम से निकल सकता है, कैसे निकालेंगे 14 और 2 जोड़ के और रूट चढ़ा देंगे, क्या करेंगे देखिए 12 12, यहाँ 12 दिया हुआ है, ठीक है 12, तो ये 12 जोड़ के रूट चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो रूट 14 आपका इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट 14 आपका आंसर हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना था, आसानी से क्वेश्चन आप कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स प्लस 1/x = 2√3 दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू निकालना है आपको, एक शिफ्ट में पूछा गया, इसको आसान सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है सिर्फ 2√3 का स्क्वायर करके और -2 कर देना है, तो अब देखिए यहाँ पर 4 चढ़ती आई 12 -2 करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 10 आपका आंसर हो जाएगा, 12 -2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोई टावर है और 30 किलोमीटर दूर पर कोई सिप है
और शिप से इसका एंगल कितना बोला, देखिए ये कोई टावर है जिसका हाइट क्या है एच, ये टावर है और ये 30 किलोमीटर दूर पर ये टावर इस मतलब कि है टावर किनारे में मगर 30 किलोमीटर दूर पर यहाँ पर कोई शिप है, ठीक है ये शिप है, ये शिप एंगल कितना बनाता है 30 डिग्री बनाता है, तो ये हाइट क्या होगा टावर का ये पूछा गया है। तो आपको पता है कि टैन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई बी, बस इसी पर पूछ कर देना है। टैन थीटा का वैल्यू क्या है 30 और एच पी के जगह क्या है यहाँ पर है, पी के जगह देखिए यहाँ पर हाइट है तो हाइट हम लोग लिख देंगे एच और बी का वैल्यू क्या है 20 30 किलोमीटर। तो अब देखिए टैन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इक्वल टू एच बाई 30, ठीक है। तो यहाँ से एच हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा आपको 30/√3, तो √3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा 10√3 आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10√3, हाइट क्या होगा 10√3 आपका आंसर हो जाएगा उसका हाइट। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है कि आप नहीं कर सकते हो क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ए किसी काम को 13 दिन में करता है, बी उसी काम को 39 डेज में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, एकदम आसानी से आप लोग कर सकते हो और ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है। तो आप लोग क्या कीजिए इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्व कीजिए और आप कमेंट सेशन में आंसर लिखकर बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व करा चुके हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है HCF और LCM आप लोग किए होंगे उससे है, तो HCF और LCM से क्वेश्चन आया है कि देखिए फर्स्ट नंबर दे दिया गया है, सेकेंड नंबर दे दिया गया है, ये नहीं पता है क्या क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ था और LCM हमसे पूछा गया है, LCM क्या किया गया है पूछा गया था। तो इसका फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF, ये आपको फॉर्मूला है, इसमें ये आपको दिया हुआ है फर्स्ट सेकेंड नंबर दिया हुआ है HCF दिया हुआ है, तो LCM आप आसानी से निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था इसमें, ठीक है क्या करते थे निकाल सकते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग को डिफरेंस निकालना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है यहाँ पर 2000, ठीक है, और आपको रेट दिया हुआ था 15% और टाइम दिया हुआ है 2 साल। तो आपको 2 साल का हम फॉर्मूला बता चुके हैं कि डिफरेंस CI और SI का डिफरेंस बराबर क्या होता है PR² / 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो P क्या हो जाएगा 2000, रेट क्या है 15, तो 15 × 15 और यहाँ पर देखिए 100 का स्क्वायर है तो 100 × 100 आपको हो गया, तो ये 00 कैंसिल हो गया यहाँ से, ये सिंगल 0 ये कैंसिल हो गया, ये 15 5 × 10 ये कैंसिल हो, 2 कैंसिल हो गया, 15 × 3 = 45 आपको डिफरेंस आ गया आंसर, तो ये आपका आंसर हो गया डिफरेंस। देखिए क्वेश्चन जो आ रहा है ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि जो आप नहीं सॉल्व कर सकते हो। देखिए एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये तीनों साइड बराबर है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और ये एक सर्कल के अंदर है, ठीक है। तो इस सर्कल का रेडियस हमको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है R = a/√3, ये फॉर्मूला होता है, ये सर्कल का ये रेडियस निकालना है, ये R होता है, ठीक है आपको पता होना चाहिए ये बात। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखिए रेडियस क्या हो जाएगा, साइड कितना दिया हुआ है ए का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, 8 पुट कर देंगे यहाँ पर √3 हो जाएगा ये, तो यहाँ से √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 8/√3 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्वेश्चन आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो रहा क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलजेब्रा का है। x² - 3x + 1 = 0 है और निकालना है आपको x² + 1/x² + 4 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको x से हम लोग डिवाइड करेंगे पूरे इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा x - 3 + 1/x = 0, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा x + 1/x = 3 निकल के आ गया,
अब हमको क्या निकालना है, पहले एक्स स्क्वायर निकालना है। तो एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 और इसमें से 2 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 7, और इसमें क्या जोड़ देना है 4 जोड़ देना है, तो ये क्या हो जाएगा 7 3 10 और 1 11 आंसर हो जाएगा। देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोग एक्स से डिवाइड कर दीजिए पूरे ऊपर वाले इक्वेशन को, तो वो हो गया एक्स माइनस 3 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0, फिर माइनस 3 को उस साइड लेके गए तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0 हो गया। अब हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 आ गया। ये 7 जो आया है ये किसका वैल्यू आया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का, उसमें फिर 4 जो अलग से दिया हुआ है 4 जोड़ा उसको 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 11 आपका आंसर आ गया। देखिए एक और अलजेब्रा का क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जो आ रहा है आसान सा क्वेश्चन, अलजेब्रा इसलिए लड़कों को याद रहता था क्योंकि आपको पता है कि अलजेब्रा का क्वेश्चन जो होता है वो जल्दी दिमाग पर चढ़ जाता है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया हुआ था, ठीक है। तो 1 बाई 3x प्लस 1 बाई 3y और प्लस 1 बाई 3z का वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं करना, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू माइनस 1, जेड का वैल्यू माइनस 1 हमको पुट कर देना है। तो सिंपल सा है, 1 बाई 3 को हम लोग कॉमन ले लिए, 1 बाई एक्स तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू क्या, यहाँ पर प्लस 1 बाई वाई है तो 1 y का वैल्यू क्या है माइनस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 1। और यहाँ पर क्या, देखिए इसको हम बेसिक से कर देते, नहीं तो बहुत लोग को नहीं समझ में, 1 बाई 3 आप कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई और प्लस 1 बाई जेड। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू क्या पुट किए हो 2, तो x के जगह यहाँ पर 2 पुट कर दो, y के जगह क्या पुट किए हो माइनस 1, तो यहाँ माइनस 1 पुट कर दिए, और z के जगह माइनस 1 तो माइनस 1 पुट कर दिए। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 1 बाई 3 और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस 1। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 बाई 3 और ये हो गया माइनस 4, माइनस 4 में से 1 चला गया माइनस 3 बाई 2, तो ये 3 3 कैंसिल हो गया तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 2। देखिए यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 1 माइनस 2 माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 हो गया, एक चला गया तो माइनस 3 बाई 2 हो गया। तो ये 1 बाई 3 जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 1 बाई 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा आया जो कि आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते परसेंटेज का जो है, देखिए 10% ऑफ 15% ऑफ 25% ऑफ 500 पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है 10% ऑफ 15% ऑफ 25% ऑफ 500 पूछा गया है, तो ये 10/100, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, हमको पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, केवल मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके आपको क्या लिखना है आंसर लिख देना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। क्या है बड़ा इशू नहीं है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि देखिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, और इसका जो है आपको तीनों साइड दे दिया है, क्या दे दिया है 6, 8 और 10 ये दिया हुआ है, और हमसे पूछा है कि रेडियस क्या होगा, स्मॉलर रेडियस क्या होगा, स्मॉलर रेडियस निकालना है। तो आप एक बात बताओ, देखो इसके अंदर एक सर्कल है, इसका रेडियस निकालना है, ये रेडियस निकालना है हमको। तो रेडियस देखिए, रेडियस हमको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो अब देखिए इसका दो तरह करने का तरीका है, रेडियस निकालने का क्या होता है, ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो P प्लस B माइनस एच बाई 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 प्लस 6 माइनस 10 बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 10, 6 6 12 2 14, 14 में से 10 गया 4, 4 बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो रेडियस कितना हो गया 2। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो 2 हो गया, अगर यही बाहर वाले सर्कल का रेडियस पूछता तो आप यहाँ से ये जो सर्कम्फ्रेंस ये होगा जो हाइपोटेन्यूज है इसका आधा होता 5 आपका आंसर हो जाता, तो इसका आंसर क्या हो गया 2 आंसर हो गया, ठीक है।
चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, सॉरी कल का क्वेश्चन नहीं डाल पाए थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल हो रहा था, फीवर उबर हो गया था। चलिए ठीक है, थैंक यू, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और साथ साथ में देखिए, एक्सपेक्टेड कटअप का वीडियो है, उस पर अपना कॉमेंट जरूर दीजिएगा, ताकि लोगों को हेल्प मिल सके कि आप लोग कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो और क्या कटअप जा सकता है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर